तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आपके साथ कुछ ट्रिक्स बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले के एग्जांपल बात करेंगे आपके साथ। उसके बाद आप लोगों को एक काम दिया जाएगा जो करके आप मुझे वापस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कल की क्लास में बताया था कि कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जो है हमने हाईलाइट शेष रूल्स को पढ़ लिया था, बाहर दिए गए थ्योरी को पढ़ लिया था। हमने बताया था कि इसके अलावा जो फीचर्स होते हैं वो न्यू रूल्स या मोर रूल्स में होते हैं। तो मोर रूल्स में हम एक बार आते हैं। मोर रूल्स में जहां आप सेल वैल्यू पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो स्पेसिफिक टेक्स्ट में आपको आता है कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगेन विथ और एंड विथ। तो जैसे आपने बिगेन विथ कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए बिगेन विथ, मान लीजिए में पूजा डाल दिया, तो जो पूजा से स्टार्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। हमने एंड विथ किया तो जो पूजा से एंड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर वर्ड वहां किससे शुरू है उससे कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास ये डेटा आया था जिसमें मेल और फीमेल को सेग्रीगेट करना था, तो मेल के आगे मिस्टर लगा हुआ था और फीमेल के आगे मिसिस लगा हुआ था, मिस या मिसिस लगा हुआ था। तो हमने मिस्टर वाले को ले लिया था, उठा हाईलाइट करके फिल्टर करके उठा लिया था हमने। तो ये चीज आप यहाँ टेक्स्ट से कर सकते हो। उसके अलावा इसमें नीचे हम बात करें तो इसमें डेट ऑकरिंग वही है जो बाहर आपने पढ़ा, इसमें कोई चेंज भी नहीं है। ब्लैंक हाईलाइट करता है, नो ब्लैंक, एरर। एरर कई की यूज हम लोग करते थे, उसके लिए हमें एक डेटा लेना होगा। जैसे कि आप वी लुकअप और बाकी चीजें लगाते हैं उसमें एरर आता है। तो जैसे मेरे पास ये डेटा है, अब कहीं कहीं पे मेरा एरर है और कहीं कहीं पे वैल्यू इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि जहां एरर है वो विजुअल ना हो, जो वैल्यू दिख रही है जिसपे नंबर्स दिख रहे हैं वही दिखे हमें। तो इसके लिए हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला है, इफ एरर के फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट इसमें फॉर्मूला वगैरह इंक्लूड नहीं करना चाहते। तो बगैर फॉर्मूला के भी किया जा सकता है। कैसे? इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए इसमें सॉरी माफ कीजिएगा, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, और यहां फॉर्मेट सेल्स कंटेन या मोर रूल्स पे जा सकते थे डायरेक्ट। यहां पे देखिए एरर। तो एरर के में हमने क्या किया कि इसकी फॉर्मेटिंग में जो फॉन्ट का कलर है, इसकी फॉन्ट जो कलर को मैंने व्हाइट कर दिया। अब बैकग्राउंड में कलर व्हाइट है तो इसलिए हमने फोरग्राउंड कलर जो है व्हाइट कर दिया। ओके। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो एरर है वो उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। और जाहिर सी बात है सर, व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट फोरग्राउंड नहीं दिखता ना, जैसे कि आप व्हाइट मार्कर से व्हाइट बोर्ड में नहीं लिख सकते ना। करेक्ट करेक्ट। तो सेम थिंग यहाँ आपके सामने है। उसके अलावा इसमें हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने किया, हमने जहां सेलेक्ट किया हमने वहीं पे कलर फॉर्मेटिंग किया है, अभी तक के एग्जांपल्स जो हमने बात की है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम जो है सेलेक्ट कहीं और करना चाहते हैं, सेलेक्ट कहीं और करना चाहते हैं और हाईलाइट कहीं और करना चाहते हैं, सेलेक्ट कहीं और करना चाहते हैं और हाईलाइट कहीं और करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी एमआरपी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट ग्रेटर देन 1000 हुआ तो ये पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाए। मतलब जिसकी जिसने एक 1000 का सेल किया है सर, उसको मुझे हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट का कोई ऐसा फिगर नहीं है कि अब यहाँ पे अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बना है, ऐसा फिगर कोई नहीं है। ठीक है। तो हमने एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक गलती हर कोई करता है और मुझे फोन आते रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं क्लियरली।
अभी तक मैंने हम लोगों ने जब फर्नीचर फोल्डिंग लगाई तो पूरा एरिया को सिलेक्ट किया था, जहां पे कंडीशन मल्टीपल में अप्लाई करना है हमने पूरी की पूरी एरिया सेलेक्ट किया था। बट जब फॉर्मूला का बात आता है तो हम एक सिंगल सेल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो एक सिंगल सेल सिलेक्ट कर लिया, यूज फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन, यहां पे आते हैं इक्वल, मैंने यहां डी टू आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लिखें डी टू मल्टीप्लाई बाय ई टू और इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं इसको ओके कर दूंगा जब फॉर्मेट प्रिंटर से या कॉपी करके जब इसको पेंट करूंगा तो ई टू जो हो जाएगा डी टू क्या हो जाएगा ई टू हो जाएगा, ई टू क्या हो जाएगा एफ टू हो जाएगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ना सर कि जब रेफरेंस को टॉप टू डाउन करेंगे तो क्या होगा रो नंबर चेंज होगा, लेकिन जब उसी को फॉर्मूले को अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो कॉलम चेंज होगा, राइट। यस, यहाँ रो एंड कॉलम दोनों को हमें करना है तो रो हमारा फिक्स नहीं है, यहाँ टू होगा तो यहाँ थ्री हो जाएगा, यहाँ फोर हो जाएगा, यहाँ फाइव हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे लाएंगे तो कॉलम जो है डी ई हो जाएगा, एक गड़बड़ है। तो कॉलम हमारा रहना चाहिए, रो चेंज होता चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कॉलम का आगे डॉलर का साइन लगा दिया, ठीक है राकेश जी, ठीक जी। अब हमने इस पे अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर ली एंड ओके, फिर फॉर्मेट पेंट कर दीजिए और नीचे तक पेंट कर दीजिए, राइट। सब कुछ समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक। गुरदेव जी, राजेश जी, हाँ हाँ समझ में आ गया। नहीं राजेश जी सर, जी सर, ओके। तो यहां हम राकेश जी आपको समझ में आया कि नहीं सर? हाँ हाँ समझ में आया। चलिए अब इसमें चलिए कुछ छोटे मोटे फॉर्मुलेज करके देखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि मेरा यहां अकाउंट नंबर मैं टाइप कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे इस कॉलम में नंबर लिखे वो एक्सेप्टेबल हो, लेकिन किसी ने अगर टेक्स्ट लिख लिया, होता है क्या है कि अकाउंट नंबर किसी के पास दो तीन अकाउंट नंबर होता है तो वो अकाउंट नंबर बैंक के नेम लिख देते हैं, जैसे वो लिख देते हैं इस तरह से कि SBI और फिर अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो मैचिंग वगैरह में दिक्कत होता है। तो मैं चाहता हूं नहीं, सिर्फ नंबर टाइप जो कर रहा है वो हाईलाइट ना हो, जैसे किसी ने इसके साथ टैक्स लगा दिया वो हाईलाइट हो जाए, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि किसी सेल में नंबर लिखा है या टैक्स लिखा है ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हमें यहां पे इज टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना। इज टेक्स्ट का फॉर्मूला हमें बताएगा कि ये नंबर है या टेक्स्ट है, कैसे, ट्रू और फॉल्स में। ट्रू कब आएगा? जब टेक्स्ट होगा, और फॉल्स कब आएगा? जब नंबर होगा। एग्जांपल के लिए मैं यहां से देखिए टेक्स्ट ले लिया, और कंडीशन फॉर्मेटिंग आपका ट्रू पे चलता है, मतलब उसके अंदर जो कंडीशन ट्रू मिल गया तो परफॉर्म कर देगा, यहां फॉर्मूला में यहां उसको ट्रू मिल गया तो अप्लाई कर, ठीक है। तो यहां पे हम देते हैं इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और हमने ए टू को ले लिया, यहां फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टॉप टू बॉटम ही करने वाले हैं ड्रैग, ठीक है। फिर हमने यहां पे अपना कलर ले लिया, देन ओके एंड ओके। फिर फॉर्मेट पेंटर से एक संभावित एरिया में हम फॉर्मेट कर देते हैं जहां तक मुझे अनुमान है कि हाँ मैं यहां तक नंबर टाइप करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही नंबर लिखेंगे कोई बात नहीं, टैक्स लिखे कि इसे हाईलाइट कर देगा। सर बोलिए, इसमें नंबर और टैक्स साथ में लिखेंगे तब? सर आपको पता होना चाहिए कि आप नंबर टैक्स साथ में लिखेंगे तो टैक्स ही कहलाएगा, टैक्स को काउंट करेगा।
जी एक्सेल में अगर आपने सिंगल या किसी नंबर के साथ कोई टेक्स्ट लिख रखा है तो टेक्स्ट ही कहलाता है। ठीक है ओके ओके अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहां पर मल्टीपल कंडीशन की बात करते हैं, मेरे पास मोबाइल नंबर राइट, और मोबाइल नंबर में सबसे ज्यादा गलती क्या होता है, हम डिजिट कम या ज्यादा लिख देते हैं, ये होता है ना सबसे बड़ी गलती जी। तो मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में अगर किसी ने 10 डिजिट से ज्यादा या 10 डिजिट से कम लिखा तो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब किसी सेल में कितना डिजिट लिखा हुआ है नंबर या टेक्स्ट कैसे पता चलता है, पता चलता है हमें लेन की फॉर्मूला से। लेन फॉर्मूले ने बता दिया जीरो मतलब कि जो भी नंबर टाइप करेंगे वो यहां काउंट करके दे देगा आपको लेन फॉर्मूला। ठीक है तो मुझे अगर करना है कि 10 से बड़ा हो या छोटा हो तो हमें क्या करना है, नॉट इक्वल ग्रेटर देन लेस देन एक कहलाता है नॉट इक्वल टू, हमने 10 कर दिया तो यहां ट्रू आया फॉल्स है, बट यहां पे ट्रू है अगर मैं नंबर डालता हूं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है तो हमने यहां पे क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और यहां पे हमने लगाया लेन का फॉर्मूला लेन, और हमने कर दिया d2 इज नॉट इक्वल टू 10, और यहां फॉर्मेट पे गए और हमने अपना कलर अप्लाई कर दिया। अब मैं अगर ओके कर देता हूं तो देखिए रेड हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे देख रहा तो रेड हो जाएगा, और यहां रेड क्यों होगा, वो नंबर नहीं उसमें 10 डिजिट ही लेगा ना। लेकिन सर मुझे तो क्या करना था, जब मैं टाइप करूं एंटर मारूं तब चेक करके बताया ना, तो पहले ही से रेड कर दिया क्या, वो तो सर पूरे सेल को वो काउंट कर रहा है। वही मैं आपको समझा, मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ अगर नंबर डिजिट में लिख गया है तो हट जाएगा कंट्रोल जी, नहीं तो लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लेन का फॉर्मूला है ना सर वो ब्लैंक को जीरो करता है, क्या करता है जीरो, और हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या दिया था तुम्हारे कि लेन नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो हमने नॉट इक्वल टू 10 किया, जीरो भी तो नॉट इक्वल टू 10 ही होता है ना सर जी जी, इसलिए उसने ब्लैंक को भी हाईलाइट कर दिया। बट यहां मेरी रिक्वायरमेंट है कि ब्लैंक को हाईलाइट ना करे, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैंक हाईलाइट होगा तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे नंबर डाल मुझे ऐसा फीचर चाहिए कि जब मैं नंबर डालूं तो चेक करके बताए कि हाँ गलत है, सही पहले से चेक करके ना रखे दो। तो यहां पे मुझे दो कंडीशन डालने होंगे कि सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब उस पर कोई टाइप है कुछ भी टाइप है, बट प्रॉब्लम है कि यहां हम एक बार में एक कंडीशन दे सकते हैं डायरेक्ट, दो कंडीशन नहीं। अगर आपके पास दो कंडीशन है तो दो एक फॉर्मूला यूज करना, दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पहला एंड और दूसरा ऑफ। एंड कब यूज करना पड़ेगा, जब मोर देन वन कंडीशन हो तो हम यहां इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर यहां पे इसको इस कंडीशन को हम एंड के अंदर में रखेंगे, कब रखेंगे या ऑफ के अंदर में रखेंगे, कब रखेंगे एंड के अंदर तब रखेंगे जब कंडीशन हमारा रिक्वायर है, मतलब कि जितने कंडीशन है यहां पे दो कंडीशन है ना दोनों होनी चाहिए, फिर जीरो से भी बड़ा हो और नॉट इक्वल टू 10 हो तो कलर करना है, तो दोनों मुझे चाहिए ही चाहिए ना सर। तो यहां पे हम एंड का यूज करेंगे, ठीक है, और कभी भी इसमें क्लिक करके एरो की का यूज मत कीजिएगा, मतलब क्या होगा पता है, देखिए इसका रेफरेंस आ जाएगा, आ गया ना सर, इसलिए तो मैंने इस फॉर्मूले के ओ एंड के अंदर में डाल दिया और यहां पे एक छोटा सा कॉमा करके दे दिया कि डी टू इज ग्रेटर देन जीरो। अब एंड क्या होगा कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर दोनों कंडीशन सक्सेस है मतलब कि दोनों कंडीशन ने एंड को ट्रू दिया तो एंड बाहर कंडीशन फॉर्मेटिंग को ट्रू देगा,
अगर किसी एक ने दिया फॉल्स तो कंडीशन उस पर्टिकुलर को देगा फॉल्स, कोई एक भी, अगर एक ट्रू दे दिया एक फॉल्स दे दिया फिर भी वो फॉल्स ही देगा, क्योंकि एंड की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर में जितने भी कंडीशन लगे हैं सबका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए तभी वो बाहर ट्रू देगा। और जब तक कंडीशन फॉर्मेटिंग को ट्रू नहीं मिलेगा वो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेगा, राइट राइट। हमने इसको अप्लाई कर दिया एंड ओके। अब देखिए ब्लैंक हो गया, लेकिन जैसे ही नंबर आप गलत लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, सही नंबर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, गलत नंबर टेक्स्ट में लिखे या नंबर में लिखे आपका हाईलाइट हो जाएगा। ओके नहीं ठीक। अब अगला ऑप्शन करते हैं कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, बट जैसे यहाँ पे सैटरडे एंड संडे वीक डे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि सैटरडे एंड संडे दोनों को हाईलाइट करना है। तो हमने एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया और चला गया न्यू रूल्स पे, और यहां पे हमने क्या किया, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन वाले पे क्लिक कर दिया, इक्वल किया। अब यहां पे मेरे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन यह है कि H1 की वैल्यू ग्रेटर माफ कीजिए ग्रेटर नहीं लगा इसमें, H1 की वैल्यू इक्वल टू ट्रू है या H1 की वैल्यू इक्वल टू सॉरी माफ कीजिएगा ट्रू फॉल्स कर रहा हूं मैं, H1 की वैल्यू इक्वल टू सैटरडे हो या H1 की वैल्यू इक्वल टू संडे हो, तो यहां सैटरडे एंड संडे को मुझे हाईलाइट करना है। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि दो कंडीशन है या दो से ज्यादा भी हुआ है हो सकता है, लेकिन यहां कोई एक ही होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं ना कि एक ही सेल में सैटरडे भी होगा और संडे भी होगा, या सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। तो यहां दो कंडीशन, दो से ज्यादा कंडीशन है लेकिन सारे कंडीशन हो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इससे पहले वाला एग्जांपल में एंड यूज किया था तो वहां पे ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू टेन दोनों होनी चाहिए थी, दोनों की पॉसिबिलिटी थी और दोनों होनी चाहिए थी, बट यहां दोनों होना पॉसिबल नहीं है, तो यहां हम लगाएंगे और फॉर्मूला। मतलब आपके पास कई सारे कंडीशन है, आपको कोई एक कंडीशन भी मिल जाता है तो आप फर्दर प्रोसीड करोगे, उस केस में हम और का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो H1 इक्वल टू सैटरडे, अब सैटरडे संडे टेक्स्ट है इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, तो हमने क्या किया कि H1 इक्वल टू सैटरडे कॉमा H1 इक्वल टू संडे और फॉर्मेट में गए और यहां पे हमने अपना फॉर्मेटिंग अप्लाई किया मैं और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ प्रिंट। तो राकेश जी गुरप्रीत जी एंड राजेश जी कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलिए अब इसमें अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको कल की क्लास में बताया था एक डुप्लीकेट का, जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर ही है तो हमने बोला कि मैं वन लिखता हूं ठीक है, नीचे भी वन लिखूंगा तो क्या होगा हाईलाइट होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं डुप्लीकेट वैल्यू करता हूं तो दोनों हाईलाइट हो रहा है, हो रहा है जी। दोनों वन हाईलाइट हो रहा है सर? जी जी दोनों हो रहा है। अब मुझे यही पे प्रॉब्लम है क्योंकि तो मान लीजिए कि दो या तीन होगा तो तीनों हाईलाइट होगा, चार होगा जितना भी होगा रिपीटेड सारा हाईलाइट होगा। अब इसमें मुझे क्या करना है कि अगर मैंने तीन लिखा हुआ है या चार लिखा हुआ है तो पहले को हाईलाइट ना करें ताकि हम पता कर सके कि हाँ ये पहला है इसलिए इसको छोड़ दो बाकी ये सब डुप्लीकेट है, समझे। ऐसे में हम फिल्टर लगाएंगे डुप्लीकेट पे कलर के भी हाफ पे तो सारा आ जाएगा ना सर जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पहला छूट जाए, पहले को हाईलाइट ना करें ताकि हम डिलीट करें तो अगर यहां पर डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि वन सारा वन डिलीट हो जाएगा जी।
लेकिन जब ऐसा कर दे कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम लगा दे जो पहले वाले वन को हाईलाइट न करे, तो क्या होगा, जब हम डिलीट करेंगे फिल्टर करके, तो हमें आइडिया रहेगा चलिए इसका एक जो है उसने हाईलाइट नहीं किया हुआ, एक बचा हुआ है, समझे? राकेश जी प्रॉब्लम तो नहीं आया आपको? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। राजेश जी आपको आया? जी आया सर। इस केस में सर अभी ये सर नंबर को रीड कर रहा है ना डुप्लीकेट के लिए? नंबर टेक्स्ट किसी को भी रीड करता है, इसको कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है, चाहे नंबर हो, डेट हो, टाइम हो या टेक्स्ट हो, या टेक्स्ट नंबर दोनों हो, ठीक है? तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हमारा होता है काउंट इफ का। काउंट इफ फॉर्मूला को मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया और बोला कि इसको काउंट करो तो रिजल्ट देगा फोर, फोर दिया, लेकिन जितने भी वन आएंगे ना सबको फोर ही देगा। मैं चाहता हूं कि काउंट इफ का फॉर्मूला कुछ ऐसा करे कि पहले वाले को वन दे, दूसरे वाले को टू दे, तीसरे वाले को थ्री दे और चौथे वाले को फोर दे। इसी में रेंज सिलेक्शन बदलनी पड़ेगी। हाँ मतलब आपको पता चला कि करना क्या है, ठीक। सबसे पहले चीज क्या होती है, प्रॉब्लम को समझना। अगर प्रॉब्लम को समझ जाए ना तो आप इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। आपने सुना होगा सर कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है जी। तो सर अगर मान लीजिए हमें आवश्यकता नहीं होती, इतने सारे आविष्कार होते नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता हमारा प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को अगर ठीक से समझ गया ना तो सॉल्यूशन ढूंढना बड़ी बात नहीं। तो हमने क्या किया, यहां पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया। काउंट इफ में हमने K2 से K2 कॉमा K2 कर दिया, ठीक है? हमने क्या किया, K2 से K2 कॉमा K2 नीचे किया, वन आएगा। अगर इसी को ड्रैग कर देंगे ना तो सब जगह पे वन ही आएगा। तो ड्रैग करने से पहले छोटा सा इसमें चेंजिंग करना है। ये पहले वाले K2 को मैंने फ्रीज कर दिया। अब ऊपर से नीचे ड्रैग होगा तो स्टार्टिंग जो हमारा रेंज है वो फ्रीज है, एंड वाला रेंज जो है वो अनफ्रीज है, जो कि बढ़ सकता है। जैसे मैंने यहां नीचे ड्रैग किया तो क्या हो गया, ये हो गया K2 से K3, क्योंकि K2 जो था फ्रीज था। अब K2 दूसरा K2 फ्रीज नहीं था तो क्या होगा, K2 K3 हो गया। अब यहां पर देखिए 2 आ गया सर। तो कहने का मतलब है कि इसका लॉजिक ये है कि मैं जहां फॉर्मूला लगा रहा हूं ना सर, उससे ऊपर के सारे रेफरेंस को ले रहा हूं, उससे नीचे के रेफरेंस को नहीं ले रहा, ठीक है? अब इसी फॉर्मूले को मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालना, क्योंकि अभी सीक्वेंस दे रहा है ना आपको सर, पूरा दे रहा है। अब इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्या करना है, हमें इसमें डालना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देना। इसको कॉपी कर लीजिए पूरा, यहां पे कर्सर रखा, यहां कर्सर रखें और मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, जो डुप्लीकेट लगा हुआ हमने क्लियर कर दिया, सॉरी एंटायर शीट हो गया, कोई बात नहीं। न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हमने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया और हमने बोला कि एक ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ठीक है? तो वन वाले को स्किप कर देगा और एरर लगा दिया मैंने कलर देन ओके। अब इसको फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ हम पेंट कर देते। तो अगर मैं 2 लिखूंगा हाईलाइट नहीं किया, जैसे नीचे 2 लिखूंगा नीचे वाला 2 हाईलाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा रवि, हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन नीचे जैसे ही रवि दूसरा रवि लिखूंगा दूसरा रवि हाईलाइट हो जाएगा, समझ गए? छत पे हो गई ना, कोई डाउट नहीं आप लोगों को? बीच में अगर कोई अदर नंबर लिखते हैं 3 और 2 बार 3 लिखते हैं तो एक हाईलाइट होगा दूसरा नहीं होगा। जी जी, मतलब कोई भी सेल वैल्यू एक से ज्यादा बार है जो पहला आपने टाइप किया है उसको छोड़ के उसके नीचे जितना भी रिपीटेड होगा वो सबको है, ठीक है? अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग से पहले आपको फॉर्मूला समझाना पड़ता है।
क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूले को नहीं सीखा है। जैसे कि मैं कल बताया था कंडीशनल होमवर्किंग की तीन क्लासेज है, जो कि दो मैं आपको दे चुका हूं, तीसरी क्लासेज मैं दूंगा एडवांस कंडीशनल होमवर्किंग जब हम फॉर्मूला को सीख लेंगे तब। ठीक है, तो यही पे हम कंडीशनल होमवर्किंग को ड्रॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने अभी तक आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता चला कि आपने क्या क्या सीखा है। जब तक आपसे हमें कोई इनपुट नहीं मिलेगा, जब आपसे कुछ मुझे कुछ बना हुआ चीज नहीं मिलेगा, तब तक तो आप जी सर कहेंगे और हम हाँ सर कहेंगे क्या, और जी सर हाँ सर के बीच में कंफ्यूजन होगा, हम सोचेंगे कि आपने आप जो है ज्ञाता होगा और आप सोचेंगे कि सर ने ठीक से समझाया नहीं। तो इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करते हैं एक प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट बताने से पहले हम आपको एक स्टोरी बताएंगे, इन अ रियल लाइफ का स्टोरी है। 2007 में रिसेशन चल रहा था, तो मेरी कंपनी थी सीधी फाइनेंशियल में, जो हम लगे हुए थे किसी थर्ड पार्टी पे रोल पे एसआर के फिनकॉर्प, सीधी फाइनेंशियल डूब गई तो हमारा भी नौकरी छूट गया। अब रिसेशन था, जॉब करनी थी क्योंकि फिर उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं, तो हमने एक कंपनी ज्वाइन किया टाटा कंसल्टेंसी, जहां ज्वाइनिंग का काम होता था। मतलब वो कंपनी ऐसी थी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉल सेंटर्स के लिए हायरिंग करती थी, ठीक है, उसका काम सिर्फ इंटरव्यू लेना, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना, क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज में अपना कॉल सेंटर में अपने 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 पेरोल पे लड़कों को भेजती थी। मतलब कंपनी वो थी बट काम किसी और कंपनी में करता था, सैलरी जो है उसी के थ्रू जाता था, जो हम ठेकेदारी बेस बोल सकते हैं आम भाषा में। तो वहां पे क्या था कि हर दिन 20 से 25 कभी 50 कभी 70 लोगों की ज्वाइनिंग होती थी, राइट। तो मेरा काम वहां पे क्या था, मेरा काम था कि मुझे लिस्ट मिलता था कि कब इन सारे लोगों का ज्वाइनिंग करना, उनको कॉल करके बुला लिया जाता था, कॉल करने का काम मेरा नहीं था, वो जो सिलेक्ट करती थी वही कॉल कर लेती थी। तो मुझे लिस्ट मिल जाता था, फिर बंदे अगले दिन आते थे, आने के बाद उनको एक बड़ा मोटा सा फॉर्म देते थे भरने के लिए। तो फॉर्म में क्या था, आपका एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट फॉर्म थी, उसके बाद उसमें इसका लेबर वेलफेयर फंड का फॉर्म, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जो जज करता है उसका फॉर्म था, ईएसआई का फॉर्म था, पीएफ का फॉर्म था, ऐसे सारे मिला के 15 पेजों का फॉर्म था। और किसी ने किसी के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो हम पैन कार्ड भी अप्लाई करवा देते थे, तो पैन कार्ड का एक अलग फॉर्म था। तो 15-16 पेजों का एक फॉर्म था जो कि उनको फिल करना था। अब वो लोग फिल करते थे, अब जाहिर सी बात है सर 16 पेज की फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं गलती तो करेंगे। अगर आपने कहीं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट में गलती कर दी जो गवर्नमेंट को जानी है तो उसको दोबारा से फिल करवाना पड़ता था हमें, तो पेज फाड़ कर फिर वो दोबारा से फिल करवाओ, फिर उनकी सारी इंफॉर्मेशन को लो, उसकी इन्फॉर्मेशन को उनके डॉक्यूमेंट से चेक करो, और फिर उसको हमारी जो एक्सेल शीट थी, एम्प्लॉई एक्सेल शीट थी, उसमें उसको पूरी टाइपिंग करो। और मेरे पास एक प्रॉब्लम था, एक ऐसा दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि मैं हार्ड वर्क नहीं करता था, मैं स्मार्ट वर्क करता था, मैं सोचता था कि जब सिस्टम मेरे तरह कम सिस्टम से हो जाए मुझे क्यों करना पड़े। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे हैंडराइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, मैं किसी की हैंडराइटिंग अभी भी प्रॉब्लम होती है, शायद इसीलिए जो है ना सर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो हैंडराइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, तो कभी कभी किसी का नाम गलत लिख दिया तो उनके चेक उसी नाम से बनते थे, उसमें चेक सिस्टम था, फंड ट्रांसफर नहीं थे, तो गलत हो जाता था, फिर पूरा करेक्शन करवाओ, फिर अकाउंट पे दो, फिर नया चेक बनवाओ, कुछ नहीं हो जाता था। तो हमने 15 दिन ऐसा काम किया, 16वें दिन मैं बॉस के सामने खड़ा हो गया जो हमारे डायरेक्टर थे, बोला कि मैं इस तरह का गद्दों वाला काम नहीं कर सकता, डू सम ऑटोमेशन। तो बोला कि भैया ये फॉर्म भरवा रहे हो तुम मुझे ऑटोमेशन कर लोगे, भाई मेरे पास एक आइडिया है मैं ऐसा कर सकता हूं। तो क्या आइडिया था, हमने बोला कि सर हम खुद से फॉर्म नहीं भरेंगे,
फॉर्म भरेगा हमारा जो रिक्रूटमेंट करने वाला आता है एम्प्लॉई, सो भरेगा। तो अभी तो ही भरता है, नहीं वो पेन पेपर से नहीं भरेगा, वो एक एक्सेल सीट पे भरेगा, समझे। तो हमने बोला कि बॉस एक प्रिंटर और एक पीसी कॉन्फ्रेंस रूम में आप लगवा दीजिए, एम्प्लॉई आएगा, मैं उसको एक्सेल सीट दूंगा, एक्सेल सीट पे अपनी पूरी डिटेल डाल देगा जो डिटेल हमें रिक्वायर्ड है। मैं ऐसा एक सिस्टम डिजाइन करूंगा कि उस डिटेल को 16 फॉर्म पे जहां जहां उसको चाहिए वो वहां पे उसको प्रेजेंट कर देगा, प्रिंट कमांड दूंगा, सारे के सारे प्रिंट आउट निकल जाएगी और डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। और साथ में हम उसी समय डेटा एंट्री करते समय हम फोटो डेटा एंट्री होने के बाद फोटो चिपकाएंगे, उनके सिग्नेचर लेंगे और डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, आई कार्ड वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, मतलब एक कमांड में सब कुछ मिल जाएगा। और जो अभी 1.5 से 2 घंटा एक ज्वाइनिंग कंप्लीट करने में लग रही है, मैं आपको बोलता हूं कि इसको कंप्लीट करने में मात्र 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा एक एम्प्लॉय के लिए। बॉस बोले ठीक है तुम प्रोसीड करो। तो हमने क्या किए, जितने भी फॉर्म्स थे उसको हमने डिजाइन किया एक्सेल सीट पे। कुछ फॉर्म बताता हूं किस तरह से फॉर्म थे, जैसे पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही फॉर्म, पैन कार्ड फॉर्मेट एक लिख दीजिए। ठीक है सर, ये पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहां देखिए नाम लिखना, नाम पता चल रहा है आपको नाम। तो ये क्या किया, देखिए सारे चीज जितने भी 16 पेजों का फॉर्म था सब इन्फॉर्मेशन तो सेम था ना, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, यही था ना सर प्रीवियस कंपनी। तो हमने एनालाइज किया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन को हमने एक सीट पे 1 by 1 यहां से एंट्री करवा दिया। ठीक है, एंट्री करने के बाद मैं बोलता था कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने एंट्री सही किया या नहीं किया, यहाँ हेडिंग डाल देता था कि हाँ नेम हो गया या फादर नेम हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऐसे हेडिंग डाल दिया हमने। ऐसे आई थिंक 25 से 30 सेल्स से इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें, और उसे डालने के बाद चेक करके बोलता हाँ से सही है। बस यहाँ पे एक बटन था उस पर क्लिक करते ही 15 फॉर्म फिल ऑटोमेटिक फिल हो गए, इस तरह से फिल होते थे, दिख रहा ना आपको इस तरह से, यहाँ दिख रहा है इस तरह से फिल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए डिटेल्स में यहाँ पे मैंने लिखा क्या ना, लास्ट नेम शर्मा, यहाँ शर्मा लिखा हुआ है फॉर्म पे, देखिए यहाँ शर्मा आ गया, आ गया सर। और अलग लेटर में आया, जो जिस फॉर्म में जिस तरह का लिखना था उस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक फिल हो जाता था, हमने फॉर्मूले की मदद से वो पूरा डिजाइन कर दिया था। और VBA कोड हमने लगा दिया ताकि वो बटन पे क्लिक करते सारे फॉर्म का प्रिंट आउट निकल जाए और सारे डेटा हमारे एम्प्लॉय डेटा में जाके सेव हो जाए। अब हुआ क्या, मैं दिन भर में पूरे दिन में भीड़ लग जाती थी, बहुत टेंशन भाग दौड़, और उसके बाद भी 10 या 12 लोगों की ज्वाइनिंग हो पाती थी सर। और फिर रात के 8-9 बजे पे बैठ के सबका फॉर्म का एंट्री अपना एक्सेल में करना होता था। 6 बजे छुट्टी होती थी लेकिन मैं कभी भी 9 बजे से पहले नहीं निकल पाता था कि सारे फॉर्म की डेटा एंट्री करके मुझे जाना होगा। और जिस दिन मैं जल्दी निकला उस दिन मैं मॉर्निंग सुबह सुबह जाकर ऑफिस जाकर कल वाली सारी ज्वाइनिंग के डेटा फिट करना होता था। लेकिन अब इस फॉर्मेट से क्या हो गया, इस डिजाइन से क्या हो गया कि मेरा काम मुझे अपना काम करना ही नहीं, मेरा काम सामने वाला बंदा कर रहा है, वो आ रहा है अपना डेटा एंट्री कर रहा है, क्लिक कर रहा है, ऑटोमेटिक फिल किया हुआ फॉर्म बिना करेक्शन का, कोई करेक्शन का नहीं, फिल किया हुआ फॉर्म निकलता था, बस उस पर फोटो गन से चिपकाते थे, फोटो पे साइन लेते थे, नीचे जहां जहां साइन थी वहां साइन लेते थे और डॉक्यूमेंट लेते थे, बात खत्म। लेकिन ये सब हुआ कैसे, हम इस तरह के फॉर्म डिजाइन करने में एलिजिबल हुए तभी ना, क्या सर आपको क्या लग रहा है, ये फॉर्म ऐसे बना हुआ है सर, इसको बनाने में बड़ा दिमाग और बड़ा मेहनत लगा हुआ है, तभी सोच रहे हैं करेंगे कैसे। तो हाँ ये जो स्टोरी मैंने बताया इसलिए बताया कि आपको पता चले कि आप कोई फॉर्मेट डिजाइन करते हैं तो फॉर्मेट डिजाइन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले या अपने जो एक्सेल में रिपोर्ट की जो फॉर्मेट होते हैं जो आपकी रिपोर्ट होती है,
जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो फॉर्मेट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, समझे? उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा वर्क प्रोसीजर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा इस स्टोरी में जो काम मैंने बताया, एक फॉर्म जो है डिपेंड करता था मेरे ऑटोमेशन पे। अगर मैं फॉर्म नहीं डिजाइन कर पाता तो मुझे बहुत सारे फॉर्मूले पता है, मुझे बहुत सारे वीवी कोड्स पते हैं, फिर भी इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। क्या? क्योंकि प्रिंटर में पेपर डाल के हम टाइप तो नहीं कर देंगे। चलिए, तो आज का हम जो प्रॉब्लम, आज का जो मैं आपको देने वाला हूं टास्क, वो यही है। आपको जाना है गूगल पे और गूगल वाला से फॉर्म सर्च करके मांगना है, एप्लीकेशन फॉर्म, या कोई फॉर्म कर दीजिए या एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। उसके बाद इसकी इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के, लिख रहा है। अब मैं आपको कोई फॉर्म सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपको पता नहीं कि आप कौन सा बना पाइएगा, इसलिए एक डिसीजन आप लीजिए कि इसमें से आपको कौन सा फॉर्म बनाना है। पर ध्यान रखिएगा, एक अट्रैक्टिव फॉर्म बनाइएगा जिससे मुझे देखते लगेगी वाओ गुड, इस तरह का आवाज निकलना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब आपको पता है, आपको बॉर्डर लगाना पता है, कलर करना पता है, लाइनिंग देना पता है, मर्ज करना पता है, सब पता ही है सर, ठीक है। तो आप जो है मुझे एक अट्रैक्टिव फॉर्म बना के भेजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने पिछले 6-7 दिनों में जो हमने फॉर्मेटिंग की क्लास आपको कराई है उसमें आपको क्या समझ में आया। उससे फिर हम एवलुएट करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक को मुझे आपको दोबारा से पढ़ाना चाहिए, ठीक है सर? ठीक है, चलिए तो शुरू कर दीजिए।